हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो कि एक बहुत ही गरीब देश है। मतलब एक ऐसा देश जहाँ पर गरीबी की वजह से लोग मारे जाते हैं। इस तरह पर लाखों लोगों को खाना नसीब नहीं होता, लेकिन इतनी गरीबी के बावजूद भी इस देश ने अपने पहले ओलंपिक पार्टिसिपेशन में ही गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। दोस्तों, इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है और तो और यहाँ कई तरह की बीमारियां आए दिन फैलती रहती हैं। दुनिया के सबसे नाखुश देशों की सूची में इसका नाम आता है। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको इस देश के बारे में सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, घुमाने नहीं ले जा रहे। आप इस वीडियो को बस अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही रोमांचक वीडियो होने वाला है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ बुरुंडी। देश की कुल आबादी है 1,15,00,000 के आसपास और दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के मामले में ये देश 78वें नंबर पे आता है। यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो ये है 463 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ की 13.8% पॉपुलेशन अर्बन है, तो वहीं पर 86% लोग गाँव में रहते हैं। दोस्तों, ये जवानों का देश है, क्योंकि यहाँ की औसतन उम्र मात्र 18 साल है। देश के ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। दोस्तों, जब भी बात आती है दुनिया के सबसे गरीब देशों की, तो उसमें बुरुंडी का नाम भी आता है। यहाँ पर किसी के पास कुछ भी नहीं है और इस देश में होती है सर्वाइवल की लड़ाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है। कोई एक शाम खा ले तो दूसरी शाम क्या मिलेगा, ये किसी को नहीं पता। यूँ कहें कि यहाँ की गरीबी को देखने के बाद किसी को भी डर लग जाए। हालात इतने खराब हैं कि अगर आप किसी और देश से आए हैं तो आपको यहाँ रहते हुए भी डर लगेगा। बुरुंडी एक लैंडलॉक्ड देश है, यानी कि चारों तरफ से इसका बॉर्डर किसी न किसी देश से जुड़ा हुआ है। देश का बॉर्डर रवांडा, तंजानिया और कांगो से जुड़ता है। हालांकि इस देश के रिश्ते अपने पड़ोसी देशों से ठीक ठाक हैं, लेकिन यहाँ पर कई दफा लड़ाई हो जाती है। दोस्तों, बुरुंडी की गंदगी को झेलना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। यह बात सच है कि जहाँ पर गरीबी होती है वहीं पर गंदगी भी होती है, लेकिन यहाँ की बात ही सबसे अलग है। दुनिया की सबसे ज्यादा गंदगी वाले देशों की बात करें तो इसमें बुरुंडी का नाम काफी ऊपर आता है। इस देश में न तो कोई अपने घर के आगे की सफाई करता है और न ही किसी और जगह की। यहाँ पर हर सड़क पे इतनी ज्यादा गंदगी आपको मिलेगी कि आपका चलना तक मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, जानते हैं बुरुंडी देश के लोग ज्यादातर क्या करके अपना पेट पालते हैं? यहाँ पर केले से बेर बनाने का काम होता है। यहाँ कुछ लोग केले को मार्केट से अपनी साइकिल पे लाने का काम करते हैं और ये भी यहाँ के लोगों के बीच में एक बड़ा काम माना जाता है। तो यकीन नहीं होगा, लेकिन इस देश के लोगों को आप कभी साइकिल चलाते हुए देख लें, तब जब इन्होंने अपने साइकिल पे केले रखे हों, आप कहेंगे ये क्या कर रहे हैं। दोस्तों, एक इंसान साइकिल पे 40 से 50 किलो केला ढो रहा होता है। दोस्तों, आप चाहे कुछ भी कह दीजिए बुरुंडी के लोगों के बारे में, लेकिन एक बात जो इन्होंने करके दिखा दी है वो आज तक कोई भी देश नहीं कर पाया। ओलंपिक्स में सबसे गरीब देश होने के बाद भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीतने का काम करके दिखाया है। बता दें कि 1996 में सबसे पहली बार इस देश को ओलंपिक में खेलने का मौका मिला और पहली बार में ही 5000 मीटर रेस में यहाँ के एथलीट वेनोस्ते नियोनगाबो ने ये कारनामा करके दिखा दिया। कमाल की परफॉर्मेंस थी उनकी, लेकिन दुख की बात यह है कि उसके बाद इस देश ने कोई और मेडल अपने नाम नहीं किया। बुरुंडी में 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। पारंपरिक रूप से यहाँ 2 आधिकारिक भाषाएं थी, किरुंडी और फ्रेंच। फिर 2014 में अंग्रेजी देश की तीसरी आधिकारिक भाषा बन गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि बुरुंडी देश में कोई भी टूरिस्ट नहीं आता। यहाँ की गरीबी ही ये वजह नहीं है, बल्कि रियल वजह यह है कि ये देश बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यहाँ पर कब कौन किस पे हमला कर दे ये किसी को नहीं पता। इस देश में बाहर निकलना और घूमना किसी भी विदेशी के लिए खतरों से खाली नहीं है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यहाँ नियम कानून मानने को कोई तैयारी नहीं है। पुलिस के सामने लोग क्राइम करके चले जाते हैं। सच में बड़े मुश्किल हालात हैं इस देश के। दोस्तों, बुरुंडी में महिलाओं की क्या हालत है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इन्हें घर से निकलने तक नहीं दिया जाता और अगर घर से निकलना है तो साथ में कोई ना कोई होना चाहिए। यहाँ पर महिलाओं के साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है और महिलाओं को छेड़ा जाता है। दोस्तों, गरीबी की वजह से इस देश में भयानक बीमारियां भी फैलती जा रही हैं। यहाँ पर एड्स बहुत ही बुरी तरह से फैला हुआ है। लोगों को ये पता ही नहीं है कि इस बीमारी से बचना कैसे है। साथ ही यहाँ पर मच्छरों की वजह से भी कई तरह की बीमारियां फैल जाती हैं। यही वजह है कि इस देश में हर साल बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। बुरुंडी के लोग गरीब तो हैं, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ के लोग मस्त मौले भी हैं। अगर ये पढ़े लिखे होते तो इन्हें पता चलता कि बाहर की दुनिया कैसी है, लेकिन यहाँ के लोग पूरी तरह से अनपढ़ हैं। लोग जो भी कमाते हैं उसे खाने पीने में उड़ा देते हैं। यहाँ जब भी कोई बाहर से इंसान आता है उसे ये ऐसे देखते हैं मानो कोई अलग ही प्लेनेट से आया हो। दोस्तों, बुरुंडी को दुनिया का सबसे दुखी देश भी कहा जाता है। इसके पीछे की वजह सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि लोगों की लाइफस्टाइल भी है। यहाँ पर लोगों से 15 से 16 घंटे काम कराया जाता है और बदले में इन्हें नाम मात्र पैसा मिलता है, लेकिन परिवार को पालने के लिए लोगों को सब कुछ झेलना पड़ता है। इस देश की गरीबी के पीछे यहाँ की राजनीति है। बुरुंडी की पार्टियां न सिर्फ आपस में लड़ती हैं, बल्कि यहाँ के लोगों को भी बुरी तरह से लड़ाती रहती है। ये हर वक्त आपस में ही लड़ते रहते हैं। और जहाँ यहाँ सिविल वॉर एक बहुत ही आम बात है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि इस देश में आज तक किसी तरीके का कोई डेवलपमेंट नहीं हो सका। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में जो भी लड़की दिखने में सुंदर होती है, उसे सबसे ज्यादा डर होता है कि कोई क्रिमिनल उसे अपने साथ उठा के न ले जाए। यहाँ पर हर साल इस तरह के 5000 से ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। अब समझिए कि यहाँ की लड़कियों के ऊपर क्या बीतती होगी जब वो जवान होती होंगी। यहाँ के परिवार वालों के लिए भी इनकी बेटियाँ कई बार सरदर्द बन जाती हैं, क्योंकि उन्हें भी यही चिंता रहती है कि यहाँ के बड़े बड़े क्रिमिनल्स की नज़र इनकी जवान बेटी पे न पड़ जाए। दोस्तों, बुरुंडी के लोगों को नशा करने की बहुत ही गंदी आदत है और यहाँ पर आपको बच्चे भी नशा करते दिख जाएंगे, लेकिन ऐसा करना इनके लिए मजबूरी है। कई बार इनका कहना है कि भूख को मारने के लिए भी इन्हें नशा करना पड़ता है। जब खाना नहीं मिलता है, लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसा सस्ता नशा कर लें जिससे कि इन्हें 2-3 दिनों तक होश ही न रहे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि बुरुंडी के लोगों को रंगीन कपड़े पहनने का बहुत शौक है। हालांकि ये नज़ारा आपको पूरे अफ्रीका में ही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ तो ये सबसे ज्यादा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग आपको येलो कपड़ों में नजर आएंगे। लोगों का मानना है कि चूंकि इस देश में केले सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए ये पीले रंग के कपड़े ज्यादा पहनना पसंद करते हैं। इसमें बुरुंडी के लोग बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं और उन्हें बात बात पर गुस्सा होते हुए आप देख सकते हैं। यही वजह है कि कोई भी इनसे बात नहीं करना चाहता। एक समय था जब दुनिया भर से यहाँ के लोगों को बहुत मदद मिलती थी, लेकिन बाद में यहीं के कुछ लोगों ने सारे ट्रस्ट को इस देश से बाहर निकाल दिया। बुरुंडी में जो कुछ लोग शहर में रहते हैं, उनके बच्चे तो स्कूल में जाते हैं, लेकिन जो गाँव में है वहाँ आज भी कम से कम बच्चे ही स्कूल जा पाते हैं। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पर पढ़ाई लिखाई से लोगों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। यहाँ पर तो स्कूल जाने को भी कई लोग गलत मानते हैं और उन्हें लगता है कि जो स्कूल जाएगा वो वेस्टर्न कल्चर अपना लेगा। सोचिए कि कैसी सोच है लोगों की। दोस्तों, चूंकि बुरुंडी में लोगों के पास काम नहीं है और अपने परिवार को चलाना भी यहाँ के लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, ऐसे लोग अपनी महिलाओं को गलत कामों में डाल देते हैं। दोस्तों, यहाँ से महिलाओं को कई दूसरे देशों में भी भेज दिया जाता है, बड़े बड़े लोगों का मन बहलाने के लिए। और ये वाकई में बहुत ही दुखद है इस देश के लोगों के लिए। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस देश में आप कभी भी अपने दोस्तों के साथ मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की सरकार को लगता है कि जब दो लोग आपस में मिलकर मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे तो ये सरकार के खिलाफ रणनीति बनाएंगे। यही वजह है कि साल 2014 के बाद से इस देश में मॉर्निंग वॉक, वो भी दोस्तों के साथ, बैन कर दी गई। अगर आप जर्नलिस्ट हैं और आप इस देश में किसी काम से जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत खतरनाक दौरा हो सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो कि जर्नलिस्ट से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। इस देश में कई बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं जहाँ पे विदेशी जर्नलिस्ट को पकड़ के जान से मार दिया गया। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि इस देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। बुरुंडी में हर किसी को अंडर द टेबल पैसे कमाने की आदत लग चुकी है। यहाँ के लोगों में जो गिने चुने सरकार के साथ काम करते हैं वो तो ऐसे बिहेव करते हैं मानो सारी दुनिया उनके नीचे हो। यहाँ जो कुछ गिने चुने अमीर लोग हैं वो पैसे बनाए जा रहे हैं और जो कुछ गरीब लोग हैं वो और भी गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि ज्यादातर लोग गरीब ही हैं। वैसे ज्यादातर अफ्रीकी देशों की यही हालत है आज के दिन। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मामले में भी बुरुंडी एक बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है। इस देश की सड़कों को देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कहीं भी आपको बढ़िया रोड देखने को मिलेंगे ही नहीं। कुछ बड़े शहरों का हाल तो फिर भी ठीक है, वहाँ पे ठीक ठाक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, लेकिन अगर आप उन्हें छोड़ दें तो यहाँ पर आपको हर जगह टूटी फूटी सड़कें ही नजर आती हैं। इस देश में ट्रेन सिस्टम है जरूर, लेकिन वो भी सिर्फ नाम के लिए। जो ट्रेनें चलती हैं उनका भी बहुत बुरा हाल है। यही वजह है कि लोग सिर्फ साइकिल से ही सफर करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे लोगों की जान भी यहाँ सड़क हादसों में चले जाते हैं। दोस्तों, बुरुंडी के लोगों को रात के समय शिकार करने का बहुत शौक है। यहाँ पे जो भी जवान लोग होते हैं वो रात के समय में जानवरों का शिकार करने के लिए निकलते हैं। ऐसा करके वो खुद को ताकतवर भी महसूस करवा पाते हैं और साथ ही बिना पैसे खर्च किए कई दिनों तक खाने का भी इंतजाम हो जाता है। यहाँ पर जो ट्राइब्स हैं उनके लड़कों की शादी भी वैसी ही लड़कियों के साथ कराई जाती है जो खुद भी शिकार करने में एक्सपर्ट हों। इनका मतलब ये है कि बुरुंडी एक देश तो है, लेकिन हर तरह से बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ के लोगों को जब तक बाहर की दुनिया नहीं दिखाई जाएगी तब तक ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, बुरुंडी में बुरुंडियन फ्रैंक करेंसी के तौर पे चलता है, जिसकी वैल्यू भारतीय रुपए से बहुत कम है। लगभग 26 बुरुंडियन फ्रैंक एक भारतीय रुपए के बराबर होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको बुरुंडी की कौन सी बात सबसे ज्यादा अजीब लगी। क्या कभी आप जाना चाहेंगे बुरुंडी? बताइएगा जरूर। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।